नमस्कार बच्चों, KKCPG कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले बताइए, सभी को वॉइस आ रही है क्या? अरे आवाज आ रही है क्या सभी को? लखन, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? लखन, आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो काम सुंदर। आप बोल रहे आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ना बिल्कुल। ओके, आप देखो, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो जो अपना टॉपिक रहेगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखने में तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पूछे जाते हैं। और पहले वापिस एक बार मैसेज नोट करो, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, यस और नो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ है कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। भी सबसे पहले यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं। मुख्य रूप से जो कंप्यूटर की यूनिट होती है, जो इकाइयां होती है, तीन इकाई होती है। वॉइस मुख्य रूप से तीन इकाई होती हैं, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इनपुट यूनिट है वो क्या या किस प्रकार से वर्किंग करती है। तो इनपुट के अंदर क्या दिया जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनपुट का मीन्स क्या होता है, भी कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, अपन किसी प्रकार से कोई डेटा को इनपुट किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, इनपुट के रूप में किसको इनपुट किया जाता है, डेटा को इनपुट किया जाता है। कभी भी गलती से क्या मत कर देना, भी इंफॉर्मेशन मत करना। इनपुट के रूप में अपने को क्या मिलता है, डेटा। और उसके बाद ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इनपुट के रूप में या फिर इनमें से कौन से इनपुट प्रोसेस है, तो आपको बताना है इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। भी कीबोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है, माउस के द्वारा दिया जा सकता है, या स्कैनर के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि जो इनपुट के रूप में डेटा रूप, लेकिन दूसरा और पूछ लिया जाए कि इनपुट के रूप में इनमें से कौन सी प्रोसेस है, तो इनपुट के रूप में जो डेटा दिए जाते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कहने का मीन्स वो जो डेटा होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, भी अपने डेटा इनपुट कहलाते हैं। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं इनपुट के बाद, जो डेटा देने के बाद सबसे पहले जो डेटा दिया जाता है इनपुट के रूप में वो कहाँ पे जाता है, सीपीयू में, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कि इनपुट के रूप में जो भी अपन डेटा देते हैं तो वो सीपीयू के अंदर, क्योंकि सीपीयू के, देखिए सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की बात करता हूं मैं, सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं कर रहा। मेमोरी का मीन्स यहाँ पे क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ पे बात करते हैं इनपुट के रूप में जो भी डेटा दिया जाता है
इनपुट के रूप में डेटा देने के बाद सबसे पहले अपना जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी वाला पार्ट होता है। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनपुट के रूप में वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। प्राइमरी मेमोरी के पास जाने के बाद वहां से जो कंट्रोल यूनिट होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, पूरा जो इंस्ट्रक्शन होता है अपन जो इनपुट के द्वारा दिया था वो उनको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, भी कंट्रोल यूनिट वर्क करती है। अब किस प्रकार से वर्किंग की जाती है, मान लीजिए अपन ने क्या किया, भी इनपुट के रूप में दिया ए प्लस और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी देने के बाद यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास आएगा, और प्राइमरी मेमोरी का मीन्स यहाँ पे क्या है, रैम। रैम के पास आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये आपको अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही है इस प्रकार से, एरो जैसे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। इनका वर्किंग क्या होता है, जिसको इनको क्या बोला जाता है, ये ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी अपन कम्युनिकेशन करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पे जो ये लाइनें अपने को दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं बस। अब बात आती है यहाँ पे बस की, बस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो बस मुख्य रूप से कल मैंने आपको चर्चा की थी थोड़ी सी कि बस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। एक नंबर सबसे पहली पहली जो बस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रेस बस, क्या बोला जाता है, एड्रेस बस। इसके बाद दो नंबर चर्चा करते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, डेटा बस। दो नंबर होती है जिनको क्या कहा जाता है, डेटा बस। तीन नंबर जो बस की बात करते हैं वो कौन सी बस होती है, अपनी कंट्रोल बस। तीन नंबर जो बस होती है कौन सी होती है, कंट्रोल बस। ये सारी मुख्य रूप से तीन प्रकार की बस होती है, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। और ये तीनों की तीनों बस से क्या काम करती है, एड्रेस बस जो वर्किंग करती है वो क्या वर्किंग करती है, आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। ओके, तो अब आप आगे चर्चा करते हैं। एड्रेस बस क्या काम करती है, जब भी अपन किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन, अपन जो यहाँ से इनपुट डेटा दिया है उनका एड्रेस मेमोरी के पास जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस को जो वन यूनिट टू अनदर यूनिट अपन लेके जाते हैं डेटा, तब कौन से, वहां से डेटा ना लेके जाए, उनका एड्रेस जो दिया जाता है वो किस बस के द्वारा दिया जाता है, एड्रेस बस के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अपन जो भी बाहर से डेटा इनपुट करवाया वो किस बस के माध्यम से दिया जाता है, भी डेटा बस माध्यम से एक यूनिट से दूसरे यूनिट के पास यहाँ पे क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल बस की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो अपन डेटा की बात करते हैं, एड्रेस की बात करते हैं या जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, उन पूरे को जो कंट्रोल करने का वर्क होता है वो किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है। अब इनके बाद आगे चर्चा करते हैं अपन कि कंट्रोल जो बस की मुख्य रूप से बात की, मुख्य रूप से बस कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखना बस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इनके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे, सबसे पहले अपन क्या पढ़ा भी, इनपुट, इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, डेटा, या फिर अपन इनपुट के रूप में क्या बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइजेशन, जिनका मीन कुछ भी मीनिंग नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, इनपुट, इनपुट के रूप में डेटा कहा जाता है। सबसे पहले इनपुट देने के बाद जो भी इनपुट में डेटा दिया जाता है वो सबसे पहले किसके पास जाता है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से फिर किन के पास जाता है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ओवरऑल डेटा को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल यूनिट से अब जहां पे भी अपने को आगे जो इंस्ट्रक्शन देना है, कहां पे भेजना है, अपने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजना है या आउटपुट के पास भेजना है या सेकेंडरी मेमोरी में क्या करना है, अपने को स्टोर करना है, तब अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल। तो ओवरऑल जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं पूरी यूनिट को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीपीयू होता है अपने सामने जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो ये इस सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट का वर्किंग क्या है, भी मैंने आपको ओवरऑल जो भी इसके अंदर यूनिट होती है सभी को कंट्रोल करने का जो वर्क होता है वो किस यूनिट का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं ALU। इसके अंदर दो प्रकार की कैलकुलेशन होती है, दो प्रकार की कैलकुलेशन कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की वर्किंग होती है। एक तो देखिए यहाँ पे सबसे पता चला है अर्थमेटिक और साथ में क्या होता है, लॉजिक। अर्थमेटिक का मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, भी जिसके अंदर अपन एडिशन कर सकते हैं, इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, भी सबस्ट्रैक्शन कर सकते हैं,
इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और साथ में क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लेक्स, ये जो वर्किंग होती है उनको तो क्या कहा जाता है भी, अर्थमेटिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन। लेकिन एक साथ में वर्ड और आया, कौन सा वर्ड आया, लॉजिक। लॉजिक का यहाँ पे मींस क्या होता है कि जैसे हिंदी में लॉजिक को क्या बोलते हैं, तार्किक। जो लॉजिक गणना, लॉजिक दो गणनाएं होती है या कैलकुलेशन वो किस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन देते हैं और अपने आउटपुट आता है ट्रू और फॉल्स के अंदर। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, अपने को एंड ऑपरेशन यूज में लेना है, या फिर कौन सा ऑपरेशन लेना है, और ऑपरेशन यूज में लेना है, या नॉर ऑपरेशन यूज में लेना है, इस प्रकार की जो वर्किंग होती है अपन बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है। वो जो गणनाएं होती है या वो कैलकुलेशन होती है वो किस यूनिट के द्वारा होती है, लॉजिक यूनिट है। तो कहने का मीन्स अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक का मीन्स क्या, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है उनको तो क्या कहा जाता है भी, अर्थमेटिक, और जो लॉजिकली मतलब ट्रू और फॉल्स के अंदर अपने को आउटपुट जो प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, अपनी लॉजिक यूनिट कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ये सारे सारे किस में आ जाते हैं भी, लॉजिक के अंदर। बाकी आगे अपन लॉजिक गेट पढ़ेंगे, वहां पे और अच्छे से क्लियर करें इनको। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आउटपुट, आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलता है। तो आउटपुट के रूप में हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट के रूप में कभी भी गलती से डेटा मत बता देना, क्योंकि डेटा तो इनपुट के रूप में दिया जाता है। आउटपुट के रूप में जो मिलती है वो अपने को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, या फिर अपन दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है भी, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड। और एक वर्ड और आता है जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी अपनी वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आउटपुट के रूप में इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग सही है, या फिर आउटपुट से संबंधित इनमें से कौन सी टर्म सही है। तब वहां पे तीन ऑप्शन दिए थे और एक इनपुट का दे दिया था। अब तीन ऑप्शन किस प्रकार से दिए थे भी, इसके अंदर इस प्रकार से दिया गया था भी, आउटपुट के रूप में कौन सी टर्म गलत है। अब वहां पे दिए गए थे आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है आउटपुट को, उसके बाद और डेटा ऑर्गेनाइज जाना जाता है, और डेटा प्रोसेस्ड जाना जाता है, या फिर इनमें से जो डेटा अनऑर्गेनाइज जाना जाता है। तो इनमें से गलत कौन सा था भी, अनऑर्गेनाइज, क्योंकि आउटपुट के रूप में अपने को जो भी सूचना मिलती है उनको तीन नाम से जाना जा सकता है, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड, और डेटा प्रोसेस्ड। डेटा प्रोसेस्ड का मीन्स क्या होता है भी, जो भी अपन इसके अंदर वर्किंग की है, सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेसिंग हुई है, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो अपने को आउटपुट मिल जाता है उनको कहा जाता है प्रोसेस्ड, डेटा प्रोसेस्ड। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलता है, तो डेटा प्रोसेस्ड, या इंफॉर्मेशन, या ऑर्गेनाइजेशन डेटा अपन बोल सकते हैं। अब इनके अलावा चर्चा करते हैं यहाँ पे जो सीपीयू, आपको यहाँ पे सीपीयू दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मुख्य रूप से तीन यूनिट होती है, या तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो ALU, दो नंबर कौन सा, CU। एक इसके अंदर और शब्द आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक आता है रजिस्टर। अब कईयों को ये पता नहीं भी कि ये रजिस्टर काम क्या आता है, उसकी भी अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन नॉर्मली अपन यहाँ पे एक बार बात करते हैं रजिस्टर क्या चीज होती है। तो देखिए रजिस्टर का मीन्स क्या होता है, एक बार मैं ये थोड़ा सा पहले बिठा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना सभी को? जी सर, ओके। आ रहा है सर। जी सर, ओके। अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। अब तीनों पार्ट की अलग अलग अपन चर्चा करेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। एक नंबर तो मैंने बताया इसके अंदर क्या होता है, ALU, और दो नंबर कौन सा, CU, और एक और अपने सामने होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोला जाता है। अब ये रजिस्टर है,
ये रजिस्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप के बारे में चर्चा करते हैं। एक नंबर जो होता है जिसको क्या बोला जाता है अभी, एएमआर रजिस्टर, एएमआर रजिस्टर। दो नंबर जो रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं एमबीआर रजिस्टर, दो नंबर कौन सा होता है, एमबीआर रजिस्टर। तीन नंबर जो रजिस्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं पीसीआर रजिस्टर, पीसीआर रजिस्टर। और चार नंबर जो रजिस्टर होता है जिनको अपन क्या बोलते हैं, ए आर रजिस्टर, ए आर रजिस्टर। और आगे जो नेक्स्ट जो रजिस्टर होता है जिनको अपन बोलते हैं आई आर रजिस्टर। और इनके अलावा जो रजिस्टर होता है जिनको क्या कहा जाता है भी, इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं आई और ओ रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर के टाइप होते हैं। अलग अलग रजिस्टर अलग अलग क्या होता है भी, वर्क होता है। अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग वर्क होता है। प्रत्येक वर्किंग अपन पूरा रजिस्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तब, लेकिन रजिस्टर का वर्क क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मान लीजिए अपन जो भी सीपीयू के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो उनको क्षण भर डेटा को रोकने के लिए या फिर वहां पे डेटा को रखने के लिए एक मेमोरी का यूज होता है। और वो मेमोरी जो होती है वो मेमोरी कौन सी होती है, वो रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्योंकि देखिए मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप अपन आगे डिटेल से पूरी चर्चा करेंगे, अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल रजिस्टर के अंदर नॉर्मली, कि रजिस्टर को किस प्रकार से यहाँ पे यूज लिया जा सकता है। तो कहने का मीन्स कि अभी रजिस्टर के मुख्य रूप से जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, अपन किसी भी प्रकार की कोई भी वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग करते हैं तो उस दौरान सीपीयू कुछ क्षण भर के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, तब किस मेमोरी का उपयोग करते हैं, रजिस्टर का। अब यहाँ पे रजिस्टर के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग वर्किंग होती है। जैसे मान लीजिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे इनपुट के रूप में अपन ने दिया 5+ और 6+7, इस प्रकार से अपन ने कोई भी बाहर से इंस्ट्रक्शन दिया। अब क्या करेगा कि कभी भी जो मोर देन वन ऑपरेटर होते हैं वो एक साथ वर्क नहीं करते हैं, एट ए टाइम एक ही ऑपरेटर क्या करता है, प्रोसेसिंग या वर्किंग करता है। जैसे मान लीजिए अपने 5+6 दिया +7 दिया, तो सबसे पहले 5+6 को ऐड करेगा, उसके बाद जो आगे प्रोसेसिंग होगी वो कौन सी होगी, जो 5+6 है वो ऐड करके फिर प्लस जो ऑपरेटर को यूज में लेगा और 7 को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो जब तक 5+6 को अपन ऐड करेंगे वो जो वर्किंग करेंगे, तब तक जो +7 है वो डेटा जो स्टोर रहेगा वो किस में रहेगा, रजिस्टर के अंदर। और रजिस्टर के अंदर भी किस में रहेगा, जो पीसीआर रजिस्टर होता है उसके अंदर इनको क्या किया जा सकता है, यूज लिया जा सकता है। तब तक वो ऑपरेटर जो प्रोसेसिंग हो रही है करंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, तो जो कुछ क्षण भर के लिए उस कैलकुलेशन को रोका गया एक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा कोई मिनटों का काम नहीं होगा, सेकंडों में वर्किंग होगी, पूरी प्रोसेसिंग होगी। तो इस क्षण भर के लिए जो डेटा को रखा जाता है तब किसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। बाकी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे एएमआर रजिस्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किस प्रकार से वर्किंग करता है, एमबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किस प्रकार से वर्किंग करता है, ये सारी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये अपना क्या था, अभी ब्लॉक डायग्राम था। तो ये ध्यान रखना है कि सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और साथ में कौन सा आ जाता है, रजिस्टर। ये मुख्य रूप से इसके अंदर वर्किंग करते हैं। और तीन पार्ट रजिस्टर वाला मैंने बता दिया, एक मेमोरी का टाइप होता है जो शॉर्ट, इसमें एक ध्यान रखना एक चीज हो, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो कितनी हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना वो कभी भी जीबी के अंदर, टीबी के अंदर नहीं हो सकती, वो ओनली बिट के अंदर चलती है। 32 बिट हो सकती है, 64 बिट हो सकती है, या 16 बिट हो सकती है, इतनी डेटा को क्या कर सकती है, एट टाइम वो स्टोर है कर सकती है। अगर इससे ज्यादा वो डेटा को स्टोर करने लग जाएगी तो फिर रजिस्टर मेमोरी क्यों आवश्यकता पड़ी, उससे तो अच्छा था उन्होंने कैसे मेमोरी भी थी और रैम थी, रोम थी, सेकेंडरी मेमोरी थी। हर मेमोरी की क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है, क्योंकि उसमें कम डेटा को रखने के लिए वहां पे रजिस्टर की आवश्यकता पड़ी थी भी, ज्यादा वहां से कैसे मेमोरी से डेटा को बार बार ना उठाना पड़े, डायरेक्ट कहां से उठा लें, रजिस्टर से, तब रजिस्टर की आवश्यकता पड़ी थी। तो ये बात तो ये अपनी कौन से डायग्राम ब्लॉक ऑफ, अब इनकी थ्योरी आपको आगे लिखी हुई मिल जाएगी सारी की सारी। मैं आपको आगे बता देता हूं कि इनपुट के रूप में क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है वो अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए इनपुट, यहाँ पे इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है, मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हैं, या फिर अपन किसके द्वारा दे सकते हैं भी, यहाँ पे माउस के द्वारा इनपुट दिया जा सकता है, या फिर किसके द्वारा दिया जा सकता है भी,
स्कैनर के द्वारा या फिर माइक्रोफोन के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा। मॉनिटर अब देखिए यहाँ पे इनपुट है, लेकिन इनपुट के रूप में मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट के रूप में हमेशा ध्यान रखना, इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है। और डेटा का मीन्स हिंदी में क्या होते हैं, कच्चे आंकड़े, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कच्चे आंकड़े इसमें दिए जाते हैं। और इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा वो इनपुट के अंदर आता है। अब आउटपुट के अंदर चर्चा करते हैं, आउटपुट अपने कहां पे दिखाई देते हैं, मॉनिटर के अंदर या प्रिंटर में, एलईडी स्पीकर, ये सारे क्या आ जाते हैं, आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलती है, हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर आउटपुट के रूप में क्या मिलता है इसके अलावा, तो डेटा अनऑर्गेनाइज तो किस में होता है, इनपुट के रूप में, और डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वो क्या जाता है, आउटपुट, या फिर जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेटा प्रोसेस्ड जो टर्म्स है वो इनपुट टर्म है या आउटपुट टर्म्स है, तो ध्यान रखना डेटा प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड मतलब कंप्लीट हो चुका, और कंप्लीट हो चुका तो किस में आता है, आउटपुट के अंदर आता है। तो इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, या फिर दूसरे भाषा में बोले तो इनपुट के रूप में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, और आउटपुट के रूप में क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन तो बोलते ही होते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज्ड, या फिर आउटपुट के रूप में और क्या बोला जा सकता है, डेटा प्रोसेस्ड। ये सारी बात हुई इनपुट यूनिट, और किसकी बात होगी, आउटपुट यूनिट। आगे अपन चर्चा करते हैं कि जो इनपुट यूनिट होती है, इसमें काफी बार मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं भी कि जो इनपुट जो यूनिट होती है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किस रूप में दिए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना डेटा के रूप में। तो कहने का मीन्स, इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो किस में आता है, इनपुट के अंदर। इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब इनपुट जो डिवाइस होती है, वो जो इनपुट अपन डेटा देते हैं, भाषा कीबोर्ड से कोई भी लिखते हैं, वो कंप्यूटर के समझने योग्य या उसके अंडरस्टैंडेबल योग्य जो कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कन्वर्ट कौन करता है, कीबोर्ड, जो भी इनपुट डिवाइस होती है वो कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तभी भी ए बी सी डी कुछ नहीं समझता है, कंप्यूटर ओनली फॉर वन लैंग्वेज समझता है, और उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, बाइनरी या फिर बिट फॉर्मेट समझता है। तो बिट फॉर्मेट के रूप में क्या किया जा सकता है, डेटा को चेंज किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा चेंज किया जाता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान में रखना। दो नंबर जो लाइन है, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब कंप्यूटर के समझने योग्य या उनके एक्सेप्टेबल योग्य जो फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, तो कौन सी डिवाइस काम आती है, कौन सी काम आती है, इनपुट जो कीबोर्ड है, इस प्रकार की सारी। इनके बाद आगे, इट स्प्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये सारी सारी जो चर्चा हुई किसके बारे में, इनपुट। इसके बाद आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं आउटपुट, क्योंकि बाकी इनको अपन डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं, अब तो इनकी थ्योरी है जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं इनके बाद आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट के अंदर क्या चीज होती है, आउटपुट के अंदर अपन मान लीजिए कोई भी इनपुट डेटा दिया है, वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद अपने को जो आउटपुट मिला था, जिनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो कहने का मीन्स, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हुई थी, ये दो नंबर पॉइंट वापिस ये ध्यान रखना, दो नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो ह्यूमन रीडेबल या फिर अपने समझने योग्य फॉर्मेट के अंदर जो चेंज किया जाता है, तो वो किस यूनिट के द्वारा चेंज किया जाता है, आउटपुट यूनिट के द्वारा चेंज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर तो ओनली जो लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है, लेकिन बाइनरी को अपन समझने में बहुत काफी टाइम लगता है, और समझ भी नहीं पाते सारी चीजें, तो वो अपने फॉर्मेट में चेंज करने के लिए किस यूनिट का उपयोग होता है, आउटपुट यूनिट का उपयोग होता है। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म, देन यूज्ड टू आउटपुट यूनिट, तब किसका उपयोग होता है, आउटपुट यूनिट का उपयोग
होता है। ये चीज बहुत ही अच्छी है, इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और बाकी यही है कि इसके अंदर आउटपुट है वो शो कहाँ पे होता है, मॉनिटर होता है या फिर एलईडी बोल सकते हैं या स्पीकर बोल सकते हैं, ये सारी कौन सी यूनिट आ जाती है, आउटपुट यूनिट आ जाती है। ठीक है, तो ये था भी अपना आउटपुट यूनिट। इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज यूनिट। अब देखिए स्टोरेज जो यूनिट है ये भी मुख्य रूप से टू टाइप्स के होती है। कितने टाइप्स के होती है? टू टाइप। टू टाइप कौन कौन से है? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी अपन किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? वो मेमोरी के पास, और मेन मेमोरी के पास जाता है। और मेन मेमोरी का मींस यहाँ पे किसे, एक चीज ध्यान रखना, अगर मेन मेमोरी वर्ड बोला जाता है इसका इट मींस रैम मेमोरी। किसकी बात हो रही है? रैम मेमोरी। तो सबसे पहले जो इनपुट दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सबसे पहले मेन मेमोरी के पास जाता है, और मेन मेमोरी से फिर उसके बाद अपने कंट्रोल यूनिट के द्वारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजा जाता है। वहां पे प्रोसेसिंग होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, अगर उस डेटा को परमानेंट अपने को सेव करना है तो किसके पास चला जाएगा? स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाएगा। और अगर अपने को हैंड टू हैंड अपने को आउटपुट चाहिए अपने शो करवाना है तो किसके पास चला जाएगा? आउटपुट यूनिट के पास चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मुख्य रूप से टू टाइप की मेमोरी होती है। इसके अंदर अपन बात करते हैं एक तो कौन सी प्राइमरी मेमोरी और एक कौन सी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। बाकी मेमोरी के अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे अपन जैसे टॉपिक आएगा मेमोरी का। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैंने आपको बताया परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए या होल्ड रखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का। और इसकी जो स्पीड होती है या वर्किंग करने की जो कार्य करने की जो गति होती है इसकी क्या होती है? स्लोअर होती है देन किससे, किसकी तुलना में? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की तुलना में। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? लार्ज होती है। किसकी तुलना में? प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। और इसके अलावा अपन और चर्चा करते हैं कि ये जो प्राइमरी मेमोरी क्योंकि लोड चीपर, चीपर का मीन्स क्या होता है? सस्ती। सस्ती मतलब खरीदने में क्या होती है इस प्राइमरी मेमोरी से, क्या होती है? सस्ती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे अपन चर्चा करते हैं स्टोरेज यूनिट वाली। तो स्टोरेज यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था भी यहाँ पे डेटा को क्या किया जा सकता है, भी स्टोर किया जा सकता है, वो सारी चीज किसमें चलती है? भी स्टोरेज में चलती है। इनके बाद देखिए सीपीयू जो वर्किंग कैसे करता है। अब देखिए प्रत्येक चीज को समझिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन किसी प्रकार से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले किन के पास जाता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के पास जाने के बाद वो कंट्रोल यूनिट को भेजता है। कंट्रोल क्या करता है? वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजना है या लॉजिक यूनिट के पास भेजना है, वहां पे क्या होती है उनकी प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है। वहां से कैलकुलेशन होने के बाद अपने को जो कंट्रोल यूनिट है वो अपन वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग या तो अपने पास आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है या फिर किसके पास देता है? सेकेंडरी स्टोरेज के पास भेज देता है। ठीक है, इस प्रकार के सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू वर्किंग करता है। बाकी मैंने आपको बताया था भी सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया ओवरऑल जो कंट्रोल ऑपरेशंस होता है वो कंट्रोल तो किसके द्वारा था? कंट्रोल के द्वारा। और जो कैलकुलेशन होती है इसके अंदर इम्प्ली जो पूरा पूरा जो वर्किंग होता है वो किसके अंदर होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जो वर्किंग हो रही है उनको कुछ क्षण के लिए डेटा को स्टोर रखने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना किसका उपयोग किया जाता है? रजिस्टर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इनके बाद आगे अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं ALU। ALU के अंदर मैंने बताया था ALU की सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना, पहले काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है लेकिन आजकल इसको कोई नहीं पूछता है। इसके अंदर आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रजिस्टर मेमोरी से पूछे जाते हैं। ALU का मीन्स क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अंदर दो प्रकार की कैलकुलेशन होती है, एक तो अर्थमेटिक और एक कौन सी? लॉजिक। अर्थमेटिक का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे मैथमेटिक प्रकार की जो कैलकुलेशन है अर्थमेटिक के अंदर होती है, और जो अपने को ट्रू या फॉल्स के अंदर जो अपने को रिजल्ट चाहिए या कंडीशन चेक करनी होती है, तार्किक लॉजिक जो अपने को यूनिट आउटपुट चाहिए तब अपन किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है या फिर किस प्रकार के यूनिट का उपयोग किया जाता है? लॉजिकली। लॉजिकली का मीन्स क्या होता है? एंड और नॉट वाली बात करते हैं, या फिर इनके अलावा अपन बात करते हैं प्लस है, एडिशन है, सबस्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लेक्शन है, डिवीजन है, ये सारा वर्किंग जो होता है वो किसके अंदर होता है? अर्थमेटिक के अंदर होता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज
एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी ऑपरेशन दिया जाता है, और ऑल को सभी को कंट्रोल करने के लिए किस यूनिट का उपयोग होता है, कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसके बेसिक जो अपन बात करते हैं ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो पांच होते हैं। कौन सा होता है? इनपुट, इसके बाद इनपुट के बाद है स्टोरिंग, डेटा को क्या करना, स्टोर करना उसकी प्रोसेसिंग के लिए, और फिर उसकी क्या होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद अपने सामने क्या आता है आउटपुट, और उनको क्या करना कंट्रोलिंग। ये फाइव बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसके, कंप्यूटर सिस्टम के। तो ये था अपना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक मिनट में। तो देखिए सबसे पहले इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, डेटा, और इनपुट के रूप में जो भी डेटा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सबसे पहले किसके पास जाता है, वो सबसे पहले मेन मेमोरी के पास जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और अपन गलती से करते हैं सीयू के पास, सीयू के पास नहीं जाता, सबसे पहले मेन मेमोरी के पास जाता है। वहां पे फिर आगे कंट्रोल क्या करते हैं, उन ओवरऑल जो अपन इंस्ट्रक्शन दिए उनको कंट्रोल करता है, किसके पास भेजना है इंस्ट्रक्शन, किसके पास नहीं भेजना है, ये ओवरऑल वहां पे क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है। उनके बाद आउटपुट के रूप में अपने को जो मिलता है वो क्या मिलता है, अपने को आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर ऑर्गेनाइज डेटा बोल सकते हैं, या डेटा प्रोसेस्ड बोला जा सकता है। कंट्रोल का वर्किंग क्या होता है, ओवरऑल इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, जो कैलकुलेशन करनी होती है या किसी प्रकार के अपने लॉजिक ऑपरेशन करना होता है, तब अपन किसका उपयोग करते हैं, ALU का उपयोग किया जाता है। और रजिस्टर क्या काम आता है, जो भी इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं उनको क्षण भर मतलब सम मोमेंट के लिए वहां पे डेटा को स्टोर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आगे जो अपन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आगे अपन चर्चा करेंगे। आज अपन जो किया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले। आया सर। ओके, बाकी कल मैं सोच रहा हूं कि जैसे सामने बोर्ड पे रिकॉर्ड करके उसके हिसाब से भेज देंगे तो और ही अच्छी क्लास होगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि लिखने में जैसे प्रॉब्लम आती है, ऐसे लिखा नहीं जाता इसके अंदर, क्योंकि जूम के अंदर और सामने बोर्ड होता है, तो वहां पे क्या है, वहां पे पूरा पूरा क्या है कि सामने जैसे बोर्ड पे क्लास में लगता है वैसे क्लास आपको लाइव कर दी जाएगी कल। बढ़िया सर, ठीक है, उसमें और ही बढ़िया होगा, उसमें आपको भी ऐसे फीलिंग होगी जैसे क्लास ही ले रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ से माउस से पूरा लिखा नहीं जाता है, तो वो लिखने के बगैर क्या पूरी चीज समझाई नहीं जाती है, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है सर, आप डेली ऑनलाइन करोगे क्लास? हाँ बिल्कुल, डेली करूंगा, मैंने आपको डेली और मैंने जो सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी, क्योंकि मैं बोर्ड के द्वारा क्लास लूंगा तो उसके अंदर आपको और ही मजा आएगा, इससे दोगुना मजा आएगा उसमें। अच्छा, और कोई क्वेरी? नो सर। ओके, थैंक यू। चाय पी लो सर। पियो पियो सर, थैंक यू। थैंक यू।